नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। हमारी मौजूदगी इस वक्त पटना में है और पटना में एक शख्स मिल गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा पूरा इनको कवर करिए ऊपर से नीचे तक और दिखाइए। भगवा कलर, पूरा शरीर इनका भगवे कलर से रंगा हुआ है और अगर सीने पर देखेंगे तो ये तीन फिल्म स्टारों के जो आज नेता के अभिनेता के बाद नेता बने हुए हैं टैटू बना हुआ। थोड़ा सा दिखाइए अंकित जी, फिर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मनोज तिवारी और उसके बाद से रवि जी और उसके बाद से आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। कहते हैं अंकित कि मुझे उत्तर प्रदेश से बहुत प्यार है, खास करके आजमगढ़ से, जौनपुर से, बलिया से। टैटू तीन तीन कलाकारों का, अब जो इस वक्त नेता बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या इच्छा थी टैटू बनवाने की? बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इन तीनों भाइयों को राम लक्ष्मण शत्रुधन भरत की तरह देखता हूं और मैं अपने आप को शत्रुधन मानता हूं। अच्छा। और यही भाव को मैं दिखाने के लिए टैटू बनवाया कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी में जातिवाद क्षेत्रवाद चल रहा था, लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद को फॉलो कर रहे थे। तो अगर भोजपुरी की जहां बात आती है तो कलाकारों की कोई जाति नहीं होती। अगर कोई कलाकार भोजपुरी और सॉरी क्षेत्रवाद या जातिवाद करता है तो वो कलाकार नहीं, वो कलाकार है। कितने भी बड़े कलाकार हो वो कलाकार है, कलाकार नहीं है। तो मैंने आज तक जितना भी इन तीनों को कहीं भी देखा है तो एक साथ देखा है और तीनों तीन जाति से हैं और तीनों तीन क्षेत्र से हैं। फिर भी अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग जाति होने के बावजूद भी ये लोग क्षेत्रवाद और जातिवाद नहीं किए हैं। तो मैंने टैटू बनवाकर ये चीज़ इन तीनों को सम्मान दिया कि जब क्षेत्रवाद और जातिवाद करने वाले कलाकार को सम्मान दिया जा रहा है टैटू बना के, तो ये लोग कहीं ना कहीं उनसे बड़े हैं और इन्होंने भोजपुरी को बचा के रखा है, भोजपुरी को बहुत ऊपर तक लेकर गए हैं। तो मैं इन तीनों को सम्मान दिया टैटू बनवाकर और मेरा प्यार भी जाहिर हुआ कि मैं इनको राम लक्ष्मण भरत की तरह मानता हूँ और कहीं ना कहीं इनको सम्मानित भी किया टैटू बनवाकर, तो वही सम्मानित किया था मैंने। कभी इनसे मुलाकात हुई? नहीं नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई। अब अगर आप लोग का कोशिश रहा, सहयोग रहा, तो जरूर मुलाकात होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप रवि किशन से मुलाकात करने गए हो, मनोज से मुलाकात करने गए हो, दिनेश से मुलाकात करने गए थे ना, रवि किशन भैया से मुलाकात करने गए थे, गोरखपुर गए थे, लेकिन बहुत कहने में भी शर्म आ रही है। क्या बताइए कि अगर मैं कहूँ तो लोग कहीं ना कहीं मेरे राम, मेरे जो मन के राम है रवि किशन जी, उनको लोग ट्रोल करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनसे व्यक्तिगत मेरा कभी तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, ना तो मैसेज के थ्रू और ना ही फ़ोन के थ्रू और ना ही मतलब सामने से हुआ है, कोई भी व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं हुआ। मैं वहाँ पर मिलने गया था और 7-8 दिन तक मैं वहाँ पर था और मैं वहाँ पर गया तो लोगों को बोला कि ये मैसेज उन तक पहुँचाया जाए। पता नहीं लोग पहुँचाएँ कि नहीं पहुँचाएँ, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक पोस्ट किया था और एक पोस्टर बनवाया था जिस पर ये लिखा था, मेरे मन के राम चलो चले गोरखपुर धाम, आस लगी तेरे दरस को। और मैंने उनको टैग किया था, मेंशन भी किया था, लेकिन इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। तो ऐसा लगा कि शायद हो सकते हैं व्यस्त होंगे, वो नहीं देखे होंगे। फिर भी मैं उनके जो नौका विहार में उनका जो आवास है, मैं उस आवास पे गया मिलने के लिए। फिर जहाँ जहाँ मतलब वो अवेलेबल होते थे, उस समय वो गोरखपुर में ही थे 7-8 दिन तक, मैं हर जगह जाता था लेकिन हमको नहीं मिलने दिया जाता था। लास्ट में जब हम आने लगे तो पवन दुबे भैया हैं, उनके जो PRO हैं, उनको कॉल किए और बोले कि भैया हम आज जा रहे हैं। नहीं नहीं अंकित, तुम आया है, तुम जाएगा कि तुम आओ यहाँ पे। वो हमको सहारा स्टेट में बुलाते हैं और सहारा स्टेट में उनका शूट चल रहा था, वहाँ पे सुशील सिंह जी, बहुत सारे लोग भोजपुरी के कलाकार लोग भी थे, सब लोग से हम मिले और वो वैन में बैठे हुए थे, बोले कि भैया लंच कर रहे हैं। लेकिन मैं 2-3 घंटे तक बैठा रहा, फिर उनका लंच 1 घंटे बाद आया, लेकिन हमको फर्स्ट में बोल दिया गया था कि वो लंच कर रहे हैं। फिर हमको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ पे बैठा था, लेकिन लोग आ रहे थे, जा रहे थे वैन से निकल के, लेकिन ये खबर किसी ने उन तक नहीं पहुँचाया कि बिहार से वो लड़का आपसे मिलने आया है, क्योंकि वो बुरे नहीं हैं। अगर वो बुरे रहते तो अभी तक मतलब फेसबुक पे वो एक पोस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं ना, तो दिनेश लाल यादव भी और नहीं मनोज तिवारी भैया ने पोस्ट किया था, लेकिन रवि किशन भैया ने पोस्ट किया था और लिखा था अद्भुत प्यार और फेसबुक के माध्यम से वो पोस्ट किए थे, हमको प्यार दिए थे। तो मैंने सोचा कि भाई जो फेसबुक के माध्यम से इंसान प्यार दे सकता है तो जाने पे तो बहुत कुछ समान प्यार मिल सकता है, तो मैं एक भाव प्यार और सम्मान आशीर्वाद के लोभ से मैं वहाँ पे गया था कि मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं मिलने दिया गया। नेता केवल चुनाव में मिलते हैं अंकित? हो ये भी हो सकता है कि ना तो हम उनके क्षेत्र से थे और ना हम उनके वोटर हैं, ये भी हो सकता है, इसी कारण हमको नहीं मिलने दिया गया होगा, हो सकता है। लेकिन मैं ये कैसे कह दूं कि वो नहीं चाहते मिलना, क्योंकि अगर वो मिलना नहीं चाहते तो फिर उनका वो दिखावा क्यों, अद्भुत प्यार लिखना क्यों? अगर आपको नहीं मिलना है तो मत मिलिए ना। जैसे कि अभी वो दोनों भाई हैं,
कोई प्रतिक्रिया कहीं नहीं दिए हैं मेरे लिए, तो उनसे मेरा कुछ चाह भी नहीं है। जैसे आपको राम मानते हैं वैसे उनको भी हम राम मान रहे हैं, लेकिन उनको तो हम कुछ बोल नहीं रहे, बोल आपको रहे हैं, क्योंकि हम आपके पास गए थे और आपके पास से हम रो कर आए हैं। और सहारा स्टेट में जब नहीं मिलने दिया गया तो हम निराश होकर भावुक हो गए, रोने लगे। तो वहीं पर बैठे लोग बोले कि इनको पानी पिलाया जाए, तो किसी ने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, और बदले में लोग मुझे प्रताड़ना दे रहे थे कि तुमको टिकट चाहिए, तुम सांसद बनेगा कि विधायक बनेगा, बोलो। सांसद जी से कहा कि तुम्हें टिकट दिलवा दें। अब बताइए कि इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और आपको पता है कि अभी हम लोग का एज ज़्यादा कुछ नहीं है, 22 साल का एज है हम लोग का। आपको नहीं लगता है कि इन सब नेताओं के चक्कर से बेहतर होता कि हम पढ़ाई करें और कुछ अच्छा बने? तो पार्ट टाइम अल्टरनेट हम लोग का पढ़ाई भी होता है, क्योंकि देखिए भी हम लोग बिहार के युवा हैं, एक मिडिल क्लास से हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से। तो इनको बनाने में कितना खर्चा आया हुआ, टैटू बनवाने में? इनको बनवाने में एक टैटू का 8,000 रुपया लगा था, 32,000 रुपया खर्चा ऐसे आया। और मेडिकल ट्रीटमेंट हम अलग से लिए थे, क्योंकि जब ये बीच वाला रवि किशन भैया का टैटू बनवाए थे ना, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था उसमें, तो अलग से मतलब 7-8 हज़ार रुपये का हम मेडिकल ट्रीटमेंट लिए थे, जो कि 45 दिनों तक चला था। किसी अभिनेता से बने नेता का तस्वीर वो भी टैटू के माध्यम से बनवाने में इनको इतनी समस्याएं झेलनी पड़ी, ये इनको ट्रीटमेंट भी कराना पड़ा, और 32,000, क्योंकि एक योगी आदित्यनाथ का भी इन्होंने टैटू बनवाया हुआ है, थोड़ा सा वो भी दिखा दीजिए। ये 4 टैटू मिला करके, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता नहीं, साफ तौर पर कहा सांसद हैं, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। टैटू बनवाते हैं, 32 से 40 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, लेकिन एक मिलने की इच्छा थी लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। अब क्या वजह हो सकती है, अब ये तो रवि किशन ही जाने। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के दौर में अगर इस तरह की पोस्ट शेयर करते हैं और मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं तो वो इनसे ना मिले। वजह जो भी हो, फिलहाल 40,000 लगभग आपने खर्चा किया। बिल्कुल। पैसे कहाँ से आए थे आपके पास? भैया मैंने ना तो अपने माँ बाप से लिए थे पैसे, ना मैंने कोई गलत काम किया। मैं लगभग 7-8 महीना जॉब किया और हर महीने 4,000-5,000 रुपये जमा करके रखता था कि मुझे ये चीज़ करना है, उन तीनों भाइयों को सम्मान देना है। तो उनको सम्मान देने के लिए मैं अपने पेमेंट से हर महीने 4,000-5,000 लेकर उसको अलग रखता था। और जब मेरे पास हुआ तो मैं एक बार जाकर टैटू बनवाया। मनोज तिवारी से कभी मुलाकात हुई? नहीं, बिल्कुल। सांसद दिनेश लाल यादव से? नहीं, बिल्कुल नहीं। और रवि से भी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आखिरी में सवाल फटाफट बता दीजिए कि अगर मनोज तिवारी से मुलाकात होती है तो आपके उनसे उनके प्रति क्या इच्छा होगी, क्या उनसे मांग सकते हैं आप? बस कुछ नहीं, आजीवन साथ चाहिए मुझे। और जैसे मैं उनको एक राम के तरह देखता हूँ, और सबको आपको पता होगा कि तीनों में सबसे बड़े वो हैं, उसके बाद रवि किशन भी, और उसके बाद दिनेश लाल यादव जी हैं। तो कहीं ना कहीं वो राम लक्ष्मण भरत की तरह स्टेप बाय स्टेप हैं, और मैं अपने सबसे छोटा हूँ तो मैं अपने आप को शत्रुघ्न मानता हूँ। तो मैं उन तीनों भाइयों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस भाव से मैं आपको देखता हूँ वही भाव आप मुझे देखें, और मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, प्यार सम्मान और स्नेह आपका चाहिए, और आजीवन आपका साथ चाहिए। चलिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर इस वीडियो को ये तीनों अभिनेता या नेता देख रहे हैं, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन, तो मैं भी चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अंकित से मिलिए, क्योंकि इनके प्रति, आप लोगों के प्रति इनके दिल में बहुत प्यार और स्नेह है। हमारी और अंकित की बातचीत से आपको क्या लगी, क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।